वेलकम, मैं ईशा नेगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कमाल जिंदगी। भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सी महिलाएं उद्यमिता के माध्यम से अपने जीवन को समृद्ध बनाने में अपने पूरे परख दिखा रही हैं। भारत में अंग्रेजी महिलाओं की तुलना में पहले हिंदू महिलाओं ने उद्यमिता के क्षेत्र में एक अहम रोल खेला है। भारतीय महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में अपने दम पर अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ है। वो न केवल अपने परिवार को समृद्ध करती हैं बल्कि समाज को और सशक्त बनाने में अहम योगदान देती हैं। आज भी हम एक ऐसी ही महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है सिमोन टाटा। इनके बारे में और जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज भारतीय महिलाएं टॉप कंपनियों की सीईओ बनकर अलग अलग क्षेत्र में उद्यमिनी के रूप में सम्मान पूर्वक काम कर रही हैं। रिचा कर ज़िवामी की फाउंडर और सीईओ, सुधा मूर्ति शिक्षक और इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष, वंदना लूथरा वीएलसीसी की फाउंडर, विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक की सीईओ और को फाउंडर भारतीय महिला व्यवसायी के चंद उदाहरण है। ऐसी ही एक विदेशी कॉस्मेटिक ब्रांड है जिसकी पहली व्यवसायी एक भारतीय महिला है। लैक्मे 70 साल का पहला बड़ा स्वदेशी ब्यूटी ब्रांड है। लैक्मे के पास आज 300 से अधिक प्रोडक्ट्स हैं। भारत के घर घर में चर्चित ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लैक्मे की जनक टाटा ही है और आज हम बात करने वाले हैं उस महिला व्यवसायी की जो इस कॉस्मेटिक ब्रांड को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर गई। जी हाँ, सिमोन टाटा। सिमोन टाटा भारत के पहले मेकअप ब्रांड के पीछे की महिला और वर्तमान में ट्रेंट लिमिटेड की चेयरपर्सन और एक भारतीय व्यवसायी है। सिमोन टाटा जिनेवा स्विट्जरलैंड में पैदा और शिक्षित हुई और 1953 में एक टूरिस्ट के रूप में भारत की यात्रा करते हुए वह नवल एच टाटा से मिली, जिनसे उन्होंने 1955 में शादी की और स्थायी रूप से मुंबई में बस गई। सिमोन और नवल नोएल टाटा के माता पिता हैं। सिमोन टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा की सौतेली माँ है जो नवल की पिछली शादी से हैं। अपने पति की रुचि और एक योग्य महिला होने के कारण वो 1962 में लैक्मे लिमिटेड के बोर्ड में शामिल हो गई और जब वो 1961 में प्रबंधन निदेशक के रूप में टाटा ऑयल मिल्स की एक छोटी सहायक कंपनी थी, उन्होंने 1964 में उसी कंपनी के प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 1982 में वो इसकी अध्यक्ष बन गई। उन्हें 1989 में टाटा इंडस्ट्रीज के बोर्ड में नियुक्त किया गया था। ये काफी हद तक प्रशंसित है कि विनम्र शुरुआत से लैक्मे भारत में नंबर वन कॉस्मेटिक कंपनी बन गई और ये सब सिमोन टाटा के दृढ़ संकल्प के कारण हुआ। लैक्मे भारत में लीडिंग कॉस्मेटिक कंपनी होने के कारण कई विदेशी देशों में निर्यात में भी शामिल है। खुदरा क्षेत्र में वृद्धि को देखते हुए 1996 में टाटा ने लैक्मे को हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड को बेच दिया जो आज हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और बिक्री के पैसों से ट्रेंट बनाया। लैक्मे के सभी शेयर होल्डर्स को ट्रेंट में बराबर शेयर दिए गए। वेस्ट साइड ब्रांड और स्टोर ट्रेंट के हैं। सिमोन टाटा ने 30 अक्टूबर 2006 तक ट्रेंट लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कार्य किया। सिमोन टाटा ने संघर्ष भी बहुत किया ताकि वह एक सफल व्यापारी बन सके। उन्होंने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया जैसे कि उनके पति की मौत और व्यवसाय में नुकसान। उन्हें विवादों और अन्य समस्याओं से भी निपटना पड़ा लेकिन सिमोन टाटा ने कभी हार नहीं मानी और कठिन समय में अपनी कड़ी मेहनत, संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़ी रही। वो टाटा कंपनी में अपने पति की मौत के बाद उनकी जगह आई थी। उन्होंने इस कंपनी को बहुत नुकसान से बचाया और उसे एक सफल व्यापार के रूप में स्थापित किया। सिमोन टाटा की संघर्षपूर्ण कहानी भारत के लोगों के बीच एक प्रेरणा के रूप में मानी जाती है। ब्यूटी और बिजनेस के साथ उन्होंने अपने विश्वास और दृष्टि के आधार पर एक साम्राज्य का निर्माण किया। आखिर में बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये कड़ी मेहनत के माध्यम से है कि उन्होंने इतना उच्च स्थान प्राप्त किया और जिसे मेहनत करना आता है उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।